नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज। मैं आपके साथ दीक्षा शुक्ला, खबर चंदौली से। कहा कि ये भी बहुत लिखते हैं, भी मदद अधिवक्ताओं ने किया, उनका समर्थन दे। यही नहीं, रामानंद तिवारी जो है बिहार के, पुलिस का संगठन बनाए थे। और ये होता था कि अधिकारी जो है इन सिपाहियों से अपने डीडी थे, ये अत्याचार होता था। तो उन्होंने कहा हम यूनियन बनाएंगे, लेकिन यूनियन उसमें अधिवक्ताओं ने भी कहा कि नहीं, यूनियन ठीक है। अब आपको बोल बोलूंगा, नमस्कार। लेकिन इतने जनता का आंदोलन बढ़ाना, इसको और आगे बढ़ाते जाना, कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं बबलू सोनी, जिला योजना समिति सदस्य व सभा संघ सब के अध्यक्ष। आप लोग अधिवक्ताओं के समर्थन में आए हैं, क्या किया जाना है? हम लोग इतनी पीड़ा को देखते हुए, वकील साहब की पीड़ा को देखते हुए, हम लोगों से नहीं रहा गया। आज हम लोगों ने अपनी व्यवस्था को तोड़ के आज बिना बुलाए हम लोगों ने वकील साहब लोगों का समर्थन किया हो। और ये लोग अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये हमारे बीवी बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। और मैं सरकार से बस एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि आप बच्चा पैदा करके छोड़ दोगे? कपड़ा पहनाने का काम माँ बाप का फर्ज नहीं होता है? अगर आप इस जिले को बनाए हैं, सरकार आती और जाती है, पर जो सरकार रहती है उनकी ये जिम्मेदारी है कि इस बच्चे को पैदा किए हैं उसको कपड़ा लत्ता सब देना उनकी माँ बाप का फर्ज है। तो आप मेरे गार्जियन हैं, इसको बिना नंगा करके ना छोड़े इस जिले को। हमसे पीछे पीछे का जिला, कानपुर के पीछे पीछे का जिला आज देखने लायक हो गया है। और ये जिला हम जब से पैदा हुए हाई स्कूल से लेके आज ग्रेजुएशन हम लोग कम्प्लीट करने के बाद भी वही सड़क वही स्टेशन। आज माननीय केंद्रीय मंत्री जी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि क्या यही स्थिति है? ट्रेन एक रुकती थी यहाँ पे। धरना आंदोलन पहले भी हुआ था? पहले नहीं हुई थी। नहीं, पहले हुआ, सुनवाई का आश्वासन मिला, आश्वासन के बाद यहाँ से पीछे पीछे धीरे धीरे यहाँ से आरएस विभाग, लोकनार विभाग जाने लगा। तब हमारे भाइयों जो वकील साहब लोग हैं, इन्होंने चेता है, ये नहीं चीते हैं, ये चंदौली की जनता अब चेत गई है इनके साथ साथ। और मैं अपनी बातों को यही कहना चाहता हूँ, अगर जिला आप लोगों ने बनाया है तो दूसरी सरकार जो भी आई है उसको साजने सवरने की चिंता करें। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता होगा, साथ में धरने पर आप भी लोग बैठेंगे। मैं पूरी मेन नगर पंचायत का, जितना यहाँ मेरे सभी सभासदगण हैं और मेरे साथ जो जनता है, वो सभी लोग समर्थन करते हैं। के भाइयों, जनता है, वकीलों, ये मत कहना कि शंकर सिंह आए तो लड़ाई लड़ा के चले गए। साथ में रहूँगा, आगे रहूँगा। अब जो बन सकेगा हम करेंगे। और जहाँ का प्रमुख सचिव की न्याय है, न्याय की बात है, आप बेटा लिखिए। मुख्यमंत्री की बात है, आप मेरे साथ चलिए, समय लीजिए। इस काबिल बना दिया, पर्दा उठा के घुस जाएंगे, मिलने में कोई परेशानी की बात भी नहीं है। तो जहाँ प्रमुख सचिव न्याय हैं, एडवोकेट जनरल हैं, उनसे मिल करके जो कानूनी पेच है उसको दूर किया जाएगा। लेकिन हमारा ये मानना है, हम किसी दल के नहीं हैं, हम किसी पार्टी के नहीं हैं, हमारी काली कोट पार्टी है। मैं किसी का विरोध भी नहीं करता, किसी का आलोचना भी नहीं करता, लेकिन ये यहाँ के लोग जो निश्चय हो गए भाई हमारे, केंद्रीय मंत्री भी रहने वाले जिनको चरित्र जानता हूँ, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या अधिवक्ता समाज बैठा है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है? आप लोग को आना चाहिए, जो हमारे क्षेत्रीय विधायक जी हैं, कि भाई क्या हालचाल है? अरे आश्वासन भी दे सकते, सरकार तो चलती है आश्वासन पर, आपके पास आश्वासन देने का भी टाइम नहीं है। तो हम आए हैं, हमको जो करना हो करेंगे। अभी DM से मिलूंगा, SSP से मिलूंगा, जिला जज से मिलूंगा कि आपको जिले का प्रभारी बना के भेजा गया। आप जिले का राजा नहीं, नौकरी करने आए हैं, नौकरी करो, सबकी सुनो और आप समस्या का समाधान हो, समस्या का निदान हो। बार काउंसिल में पत्र लेकर मुरली भैया आप दीजिए, मैं चेयरमैन से कल बात करूंगा कि इसको आप अलग एजेंडा में बना के इसको टेकअप करिए, लीजिए। नहीं, अगली मीटिंग बार काउंसिल की प्रदेश के इलाहाबाद में नहीं चलेगी, वादा करके जा रहा हूँ, पता कर लीजिएगा।